ओके सर, आपकी चेक इन डेट आज की है, चेकआउट कल का। फ्लेक्स होटल श्री कार्शियन, राइट? सुन पा रहे हैं हाँ सुन रहा हूँ। सर? क्या सर, मैं आपकी कॉल को 2 से 3 मिनट के लिए होल्ड कर सकता हूँ सर, प्रॉपर्टी मैनेजर से बात करने के लिए? हाँ करिए, जल्दी करिए। ओके सर, लाइन पर ही कॉल करना मत करिएगा। हेलो। हाँ हेलो हेलो, हाँ जी जी हाँ जी हाँ बोलिए। सर, मैं हाँ आपके होटल में बुकिंग है मेरे फादर के, और आज वहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं कर रहे। भैया, ईशा ने जो ओयो से हम रिश्ता तोड़ चुके हैं, वो एक कमीशन एक दलाल कंपनी है, और आप उसको पूरा पैसा दे देंगे, वो खा जाएगा। जब हमको हमको पैसे नहीं मिलेगा तो हम रूम क्यों दें, बताइए ना। एक दलाल पूरा पैसा दे देंगे, या दलाल हमको पैसा नहीं देगा तो हम क्यों किसी को रूम देंगे। वो हमारा बहुत पैसा खा गया है, हम लोग उसको मना कर चुके हैं कि हम तुमको रूम नहीं देंगे। ये एक दलाल कंपनी है ना, सर आप आप अपना उनसे रिफंड लिस्टिंग, पैसा ले लीजिए। सुनिए सुनिए, रिफंड पैसा ले लीजिए, या उनको जो है वो कहीं शिफ्ट कर देंगे जहां उनका क्रेडिट होगा। कहीं क्रेडिट उनकी है नहीं, क्रेडिट उनकी सब खराब कर दिए हैं। अब सर बूढ़ा आदमी रात के 12 बजे कहाँ जाएगा बताइए। अरे अगले बगल मिल जाएगा हमें तो तो पता नहीं था आपकी नहीं आपकी लिस्टिंग उस पे एज इट इज नहीं पड़ी वो है। सबसे वो लोगों का वही दलाल है, पैसा ले लेता है पूरा। ऑनलाइन वाली साइटें ज्यादातर फ्रॉड कर रही हैं, और जब हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिलेगा तो हम किसी को रूम क्यों देंगे। और आपको समझना चाहिए कि 10-20% उनको जमा करना चाहिए, और होटल पे कहीं भी जमा करना चाहिए। ओयो से विशेष और साइडें सही हैं, गो आई बी गो सबसे बेस्ट चल रही है आजकल। ये अपने मन रेट गिरा देंगे, जिसे हाई समाई है कि 2,000 का रूम है 1,200 जमा कर दीजिए,
ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, हम लोग इनको लिख के मेल डाल दिए हैं कि रिश्ता सब खत्म कर दीजिए, आपसे रिश्ता आपसे व्यवसाय नहीं करना है, तो उन्हें भी पार्टी का पैसा ले लेंगे, और पार्टी को जब नहीं देंगे तो ये लोग दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट कर देंगे जहाँ उनकी मर्जी होगी, जहाँ कोने खसरौते होटल नहीं चल रहा होगा वहाँ शिफ्ट करेंगे, पार्टी पसंद करेगी हाँ और शिफ्ट करेंगे कहीं और, यही धंधा सब खाने हैं फ्रॉड करके। नहीं तो हम लोग भैया भगवान मानते हैं, गेस्ट को हमका हमारा गेस्ट से कौन सी शिकायत है, गेस्ट 200-400 उनके यहाँ जमा किए रहता है तब वो हम लोग अपने यहाँ जमा करा के ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सर आपका नाम क्या हुआ, सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जगदीश पांडे है। जगदीश जी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे फादर वहाँ पे आपके होटल पर ही हैं, इनसे मैं रिफंड के बारे में बात कर लूंगा। अब आप ये बताएं कि आपके होटल पे रूम कैसे हो सकता है, वो फिर वहाँ पे करके रूम लेंगे? हाँ तो हम दे देंगे, पे करके ले लेंगे तो हम दे देंगे। आप अपने प्लीज स्टाफ से बात करिए कि अखिलेश शर्मा जी हैं। कई दिन रहना है, कई दिन रहना है आपको? सर कल ही सुबह हमें निकलना है फुलवरिया कैंट में, हमारे रिलेटिव की इमरजेंसी में डेथ हो गई है तो इसलिए आना पड़ा हमें। अच्छा कल सुबह ही निकलना है? जी वो हम लोग किसी का डेथ हो गया है उसकी वजह से वहाँ पे इमरजेंसी में आए हैं, बस रात को हाँ, यहाँ हाँ, रुकना हाँ। है, फिर कल सुबह उनसे उनके घर पे जाना है। अच्छा, अभी वही होटल में ही है, मेरे अच्छा। फादर अखिलेश शर्मा नाम है। मालूम है हमारे सामने बैठे हैं, हम भी होटल में ही हैं अभी, जी तो आप उनको वहाँ हम रूम भी का करवा होटल में दीजिए ही हैं। और मैं समय रिफंड की बात करता हूँ फिर मैं। हाँ तो अपने नाम से बुक करा दीजिए और आईडी अपना दे दीजिए, हम अपना पेमेंट जमा करा के दे देते हैं, सुबह अपना सेटलमेंट जाएंगे, क्योंकि हम सुबह तक कल तक दे भी पाएंगे, केवल कल हमारे यहाँ ग्रुप लगा है हाँ तो ठीक है सर, इसीलिए। आप जरा इनको करवा दीजिए ना प्लीज। ठीक है तो हम हमारे यहाँ पेमेंट करते हैं, ले लें हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्या चार्ज आप लगेगा हमसे अभी, रिफंड ले लीजिए। हाँ क्या चार्ज होगा सर स्टे भाई, का आज? हमारे यहाँ हम आप तो वो लोग तो ऐसा काम करते हैं जी जैसे 1600 रेट है, अगर उनके यहाँ जमा करेंगे तो कहेंगे 300 छोड़ दे रहे हैं, तो मतलब हमको नहीं समझ में आता है क्योंकि होटल हमारा है और छोड़ के वो लोग हैं, लूट जी मची है, जैसे कि हमारे यहाँ जमा कर लीजिए कुछ जमा कर दीजिए, हाँ हम जी हमारी चीज हम 1600 के नीचे नहीं देते हैं, तो वो लोग पता नहीं कैसे, लेकिन जो वो लोग लगा दिए हैं रात में आ गए, जो समझ में आवे 1400-1400 कम वैसी की बात नहीं है। तो आप बताएं सर कितना होगा, तो मैं आपको यहाँ से कर देता हूँ, फिर मैं बाकी इनसे बात करता हूँ। हाँ एक हाँ जी कितना 1300 जमा करा दीजिए, 1300। आपका नंबर बताइए जिस पे पेमेंट करना है। Your call is now first in line and will be answered by the next available representative. Thank you for your patience. Your call is now first in line and will be answered by the next available representative. Thank you for your patience. Welcome to OYO. My name is Gopal, your guest experience manager. How may I assist you? मेरा बुकिंग जो मैंने किया था, तो मुझे होटल पे तो एंट्री अलाउ नहीं किया कि ये बुकिंग हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ओयो हमें हमारा जो पेमेंट है वो नहीं देता है। ओके होटल के ओनर से भी बात कराई गई मुझे लाइन पे लेकर के, बट जी ओनर सेट द सेम कि भाई हमें ओयो से कोई कमीशन नहीं आता है, ओयो हमारे ओके रेट्स को अनएथिकली पूरा रिड्यूस करके बुकिंग ले लेता है और हम वो प्रॉफिटेबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। ओके अनफॉर्चुनेटली मुझे रात के अभी 1 बजने जा रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, मेरे को मेरी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी। मैंने मेरे पापा के लिए किया था जो सीनियर सिटीजन है, अभी वो वहाँ पे ओके खड़े हैं स्टेशन के बाहर 2 किलोमीटर दूर, और उनको वहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं किया है। ओके
जो असुविधा फेस हुई उसके लिए बेहद माफी चाहूंगा। और आपने एकमात्र ऑप्शन दिया कि मैं कैंसिल करूं अपनी बुकिंग, और कैंसिल करने के बाद दिखता है कि इसमें 14 दिन के बाद आप पैसा दोगे, ये कहां की पॉलिसी है भाई? सर ये जो पॉलिसी है एज पर ओयो पॉलिसी जो अमाउंट आपको रिफंड होता है ना वो 7 to 14 वर्किंग डेज में रिसीव हो जाता है। और ये अमाउंट कितना रिफंड होने वाला है वो बताएंगे आप जरा? हाँ मैं बिल्कुल बताया, तो क्या आप मुझे आपका बुकिंग आईडी बता पाओगे सर ताकि मैं चेक करके आपको इन्फॉर्म कर सकूँ? आपको बुकिंग आईडी नजर नहीं आ रही उसमें? जी नहीं सर, माफी चाहूंगा। HQH 53419। ओके कंफर्म करने के लिए धन्यवाद सर। जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ तो अखिलेश शर्मा जी इनके नाम पे बुकिंग आपका बना था एक दिन के लिए जी, 1376 रुपए का टोटल एक दिन का बुकिंग था, उसपे कुछ डिस्काउंट वगैरह ऐड करके आपको जो पेमेंट करना था वो 851 रुपीज का हुआ था आपकी तरफ से, राइट? हाँ जी, तो ये 851 का टोटल पेमेंट जो है ये आपका रिफंड इनिशिएट हो चुका है सर ऑलरेडी। नहीं तो ये मेरे को मिलेगा कब भाई? ये एज पर पॉलिसी 7 to 14 वर्किंग डेज में आपको रिसीव हो जाता है। एज पर योर पॉलिसी मुझे वहाँ पे रूम मिलना चाहिए था, मुझे रूम नहीं दिया आपने, सुनो मेरी बात, रूम नहीं दिया है वहाँ पे, अब मेरे को डबल पेमेंट करनी पड़ रही है, इसका मतलब समझ रहे हो तुम? आपको पेमेंट किया मैंने, अब मुझे होटल पे वहाँ पे जबरदस्ती दोबारा पेमेंट करना पड़ रहा है, और वो डबल चार्ज कर रहे हैं रात के 1 बजे क्योंकि मैं वहाँ पे इमरजेंसी में खड़ा हूँ हेल्पलेस। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर, बट जो समझ पा रहा हूँ तो या तो मेरे को मेरे अकाउंट में पैसे डबल बुकिंग के आपको देने होंगे, अगर आप ये नहीं करते हो तो लॉ सूट में फाइल करने वाला हूँ, और जो भी कंपनसेशन मैं चार्ज करूंगा, जो मेंटली अभी आप लोग हैरास कर रहे हो ना रात के 1 बजे किसी आदमी को, इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा आप लोगों को। मैं बिल्कुल समझ पा रहा सर, बट जो अवेलेबिलिटी रहेगी मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊंगा सर, फिलहाल तो ये जो अमाउंट है ये इन्फॉर्मेशन यूजलेस है, जैसे तुम लोग यूजलेस हो ना ये इन्फॉर्मेशन भी वैसा यूजलेस है। मेरे को बता दे ये इन्फॉर्मेशन मेरे कैसे काम की है, वहां पे मैंने मेरे को रूम मिलना चाहिए था ना, वो रूम मिला और पैसा भी मुझे डबल पे करना पड़ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे किस काम की ये बता मेरे को। इसकी रिगार्डिंग सर मैं आपका जो इशू है वो आरएस लेकर डेटा प्रायोरिटी दे सकता हूँ, इसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी जो है वो पेनल्टाइज या फिर सोल्ड आउट किया जाएगा। और भाई सोल्ड आउट तुम्हारी कंपनी होनी चाहिए, जो तुम लोग ये फ्रॉड कर रहे हो ना, सोल्ड आउट कंपनी होनी चाहिए, होटल वाले की गलती नहीं, होटल गलती तुम लोग की है। सर डिपेंड नहीं होता कि हर इशू ओयो की तरफ से ही हो, नहीं वो तो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे होटल वाले ने भी बता दिया कि क्या इशू है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर रहा है, गोवा वीवो और अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर रहा है वो बहुत हैप्पीली। यहाँ पे जो फ्रॉड कर रहे हो तुम लोग कर रहे हो। अदर जो प्लेटफॉर्म आप बता रहे हो ना सर, गोवा वीवो या फिर जो भी है अदरवाइज, तो वो ऑलरेडी ओयो के साथ ही टाइप है, तो मेरे को वो नहीं जानना है। मैंने ओयो ऐप से बुकिंग किया ना, मेरे को वहाँ रूम मिलना चाहिए था, वो तुम लोग दिलाने में फेल हो गए। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ सर, जो असुविधा आपको फेस करनी पड़ी उसके लिए बेहद माफी चाहूंगा, बट देखिए अगर भाई मेरे को माफी नहीं चाहिए, मेरे को वहाँ कमरा चाहिए। तो अभी सर आपका बुकिंग कैंसिल हुआ है ना, तो अभी तुम रात के 1 बजे में अभी कहाँ जाऊँ वो बता मेरे को। अगर आपने ये कैंसिल नहीं किया था तो ऑब्वियसली मैं आपको बुकिंग शिफ्ट करा के अनदर प्रॉपर्टी भी आपको चेकिंग अनदर प्रॉपर्टी, तो मतलब उसका टैक्सी का पैसा कौन देगा ये बता मेरे को। नियरेस्ट बाय प्रॉपर्टी मैं आपको चेक कर देता सर, तो मतलब पास में जो नियरेस्ट बाय रहेगी उस पर। तो रात के 1 बजे यही करेगा ना आदमी, कस्टमर केयर से लगा रहेगा और अपने पैसे टैक्सी भरेगा, यही करेगा ना। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर, बट प्रॉपर्टी की तरफ से अगर इस अनकन्वीनियंस हुआ है उसके अनकन्वीनियंस प्रॉपर्टी की तरफ से नहीं, अनकन्वीनियंस ओयो की तरफ से है, प्रॉपर्टी वाला तो बिल्कुल साफ तरफ से नहीं है सर, ओयो की तरफ से तो आपका बुकिंग बन गया था सर। हाँ। नहीं आपको प्रॉपर्टी की तरफ से हुआ है, मेरे पास अर्लियर की भी कॉल रिकॉर्डिंग है और मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, आप पे बहुत बड़ा लॉ सूट अभी फाइल करने वाला हूँ मैं। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर, मैं ऐसे आपका जो इश्यू है वो ऑलरेडी एस्केलेट कर देता हूँ हाई प्रायोरिटी बेसिस से, इस पे रिगार्डिंग प्रॉपर्टी पेनल्टाइज किया जाएगा, एंड फ्यूचर में आपको ऐसा असुविधा फेस करना। फ्यूचर में भाई मैं आज कान पकड़ता हूँ, तुम्हारा ऐप भी अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, रेटिंग भी 1 स्टार के नीचे पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वो भी करता मैं, और तुम लोग के ऊपर जो लीगल मैं केस करूंगा वो तो मैं करूंगा ही। तुम्हारा नाम क्या है वो बता दो मेरे को। गोपाल।
गोपाल जी ये नाम भी मेंशन होगा उसमें? नो इशू सर, मैंने आपको कोई गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं किया है, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वही मैंने आपको प्रोवाइड किया है सर। यदि आपका, मैं ये भी बता रहा हूँ, यदि आपका बुकिंग कंफर्म होता या फिर चेकिंग, मेरी बुकिंग कंफर्म थी, एडवांस में पूरा पेमेंट कर रखा था मैंने, लेकिन तुम लोग रूम प्रोवाइड करने में फेल हुए हो। सर सर मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ अभी जो बुकिंग का स्टेटस कैंसिल है आपके, अगर ये बाय चांस आपका चेकिंग भी होता या फिर रूम नहीं दिलाओगे तो कैंसिल नहीं करेगा आदमी तो क्या करेगा? सर माफी चाहूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन प्लीज सुन लीजिएगा, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन भाई तू रिकॉर्ड में देख, अपने हिस्ट्री में चेक कर। कैंसिल अगर नहीं होता ना तो मैं आपकी बुकिंग जो है वो अनदर प्रॉपर्टी पे शिफ्ट करा के वहाँ पे आपको स्टे कंप्लीट करवा देता, बट आपका बुकिंग अभी कैंसिल है, इस वजह से मुझे ये बोलना पड़ता है सर। रात के 1 बजे टैक्सी का रेंट कौन बेयर करेगा ये बता मेरे को? ओयो कंपनी करने वाली है दूसरी प्रॉपर्टी पे शिफ्ट होने का? बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर, बट जो पॉसिबिलिटी अवेलेबल है वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सर। पॉसिबिलिटी नहीं कर रहे हो आप लोग परेशान हुए, हैरेसमेंट है ये, मेंटल और फिजिकल दोनों, और इसके लिए पे करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ।